फ्रेंड्स, रिलीज होने जा रही नितिन रेड्डी सर की अब तक की सबसे खतरनाक एक्शन ड्रामा फिल्म, जिस फिल्म का नाम है मचेरला नियोजा का वर्गम। और आज इस फिल्म की रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया, साथ ही फिल्म को हिंदी डब से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ ये मूवी आपको कवर कहाँ पर रिलीज किया जा रहा है, फिल्म की कन्फर्म डेट क्या रखी गई है। तो अगर आप भी नितिन रेड्डी सर के डाई हार्ड फैन और आप उनकी नई नई मूवी साउथ मूवीज हिंदी में देखना पसंद करते हो तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक तक जरूर देखिएगा। यहाँ फ्रेंड्स, मचेरला नियोजा का वर्गम 2022 की एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज की जबरदस्त रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने जा रही है, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है MS राजशेखर रेड्डी जी ने। और बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी के अंदर आप सभी को नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार नितिन रेड्डी सर, उनके साथ आपको देखने को मिलेंगी साउथ इंडस्ट्री की सबसे ब्यूटीफुल हीरोइन कीर्ति शेट्टी। साथ ही इस फिल्म के अंदर आपको साउथ के कई सारे बड़े कलाकार भी नजर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो इस फिल्म की कहानी आधारित है एक ऐसे लड़के के ऊपर जिसके माँ बाप को कुछ बड़े माफिया किसी कारण के चलते मार देते हैं, और वो लड़का बड़ा हो जब उनसे बदला लेने की सोचता है, जिसके बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, जिसके बाद वो लड़का अपने परिवार के हथियारों से बदला लेने का फैसला करता है, जिसके बाद इस मूवी की कहानी और भी रोचक हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये जानने के लिए हम सभी को पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अगर बात करें मचेरला नियोजा का वर्गम फिल्म की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस फिल्म को कब और कहां रिलीज किया जा रहा है, और क्या ये फिल्म हम सभी को हिंदी डब में देखने को मिलेगी या नहीं। फ्रेंड्स, उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी नितिन रेड्डी सर की फिल्में देखना पसंद करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मचेरला नियोजा का वर्गम फिल्म की रिलीज डेट आ चुकी है, और इस फिल्म को इसी साल 12 अगस्त 2022 को सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज किया जा रहा है। और अगर बात करें इसके हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो फिर कुछ खबरें आ रही हैं कि इस मूवी की हिंदी राइट्स सोल्ड आउट हो गया है, और इसके राइट्स को बाय किया बिफोर यू मोशन पिक्चर ने। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मूवी के हिंदी राइट्स को बिफोर यू मोशन पिक्चर ने बाय कर लिया है, और हो सकता है तो ये मूवी आपको डायरेक्ट हिंदी में भी थिएटर्स में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ऐसा होता है तो ये मूवी आपको 1 से 2 महीनों के अंदर टीवी और यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिर इस मूवी से जुड़ी कोई और अपडेट सामने आती है तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी नई मूवी के अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।